तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने पास मारुति आश्रो सॉरी फ्रेंड्स, एंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी बस के बस बहुत हो गया मजाक। फ्रेंड्स, 2008 मॉडल स्विफ्ट गाड़ी है। इसके अंदर पिकअप प्रॉब्लम है, गाड़ी पिकअप बिल्कुल नहीं ले रही है। जो हम चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, और चेक करेंगे हम लॉन्च 431 प्रो की मदद से जो भी अपने पास है। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को OBD कपलर लगाना होगा। लगा लेते हैं, कुछ यहाँ पे लगेगा OBD कपलर स्विफ्ट गाड़ी 2008 मॉडल के। ओके फ्रेंड्स, कपलर लगा दिया अपने। फ्रेंड्स, अपने को अब जाना है मारुति इंडिया में। यस, मारुति इंडिया। ओके, कंटिन्यू। सुप्रिया। ओके फ्रेंड्स, ओल्ड मेन्यू में जाना है अपने को। यस, या वैसे जाना है अपने को शिफ्ट में। ओके, इंजन कंट्रोल में जाना है अपने को। ओके, डीजल इंजन। ओके, रीड फोल्ड कोड। ओके फ्रेंड्स, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, फोल्ड अपने सामने आ चुका है। बूस्ट प्रेशर का, ठीक है फ्रेंड्स, बूस्ट प्रेशर का फोल्ड है। और नीचे आ रहा है ग्लो प्लग का, जो कि नॉर्मल इतना इशू है नहीं इसका। और ये जो नीचे बता रहा है बूस्ट प्रेशर सेंसर का, ये अपन ने इसका जो कपलर है वो निकाल दिया सेंसर का, इसलिए बता रहा है। जो मेन फोल्ड है वो अपना ऊपर वाला ही है, जो बूस्ट प्रेशर का है वही चेक करना है अपने को। तो अपने को चेक कर क्या करना होगा, इसका जो बूस्ट प्रेशर आगे जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रेडिएटर टर्बो का, ठीक है फ्रेंड्स, हम वही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को वो सर्विस करना होगा इसका। और जो ये सेंसर लगा हुआ है बूस्ट प्रेशर का, इसको भी अपने को धो के साफ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दोनों को खोल देते हैं। ये वाला सेंसर है और मैं आपको बूस्ट प्रेशर पे दिखाता हूँ, वीडियो फास्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये लगा हुआ टर्बो, इसको खोल के निकालना होगा, अंदर से निकाल के पूरा वॉश करना होगा, पूरा धोना होगा। हो सकता है इसके अंदर ऑयल आ चुका है या पूरा अंदर से जाम हो चुका है, इसके लिए शायद गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है और फोल्ड भी इसके अंदर ये बता रहा है। सो फ्रेंड्स, हम इसको खुलवाते हैं आदमी के पास। भाई किधर गए। सो फ्रेंड्स, अपना जो लड़का है वो काम पे लग चुका है, अभी खोल के बाहर निकाल देगा और हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वॉश करके भी दिखाएंगे अंदर से कितना कचरा निकल रहा है, कितना जो भी निकला है। सो फ्रेंड्स, तब तक जुड़े रहिए। कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार। फ्रेंड्स, धो दिया इसको, आधे घंटे तक हमने इसको धूप पे भी रखा, जितना भी पानी अंदर था सब निकाल दिया और वापस इसको हमने लगा दिया गाड़ी में। अब चेक करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम इसके अंदर लगाते हैं वापस, इसके चेक करते हैं कि क्या अब कोड, और वैसे भी हमने कोड जो आगे आया हुआ था उसको डिलीट नहीं किया था, क्लियर नहीं किया था, तो कोड तो बताएगा, लेकिन अपन को इसको वापस चेक क्लियर करना होगा। उसके बाद कोड आता है कि नहीं आता, हम गाड़ी चला के भी देखेंगे कि गाड़ी पिकअप ले रही है या नहीं ले रही है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर से मतलब ऑयल तो भरा हुआ था ही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल निकला है अंदर से। सो चेक करते हैं फ्रेंड्स, ऑयल मेन्यू, शिफ्ट में जाना है। ओके, शिफ्ट इंजन कंट्रोल, डीजल। ओके, कम ऑन। ओ सेट यार, चाबी स्विच बंद है, सेट। ओके फ्रेंड्स, चाबी स्विच बंद थी, चाबी को ऑन कर दिया, वापस से शुरू होते डीजल इंजन। ओके, रीड फोल्ड कोड, जो का इज वही फोल्ड है। ओके, क्लियर करते एक बार। ओके, क्लियर हो चुका है, सक्सेस। ओके, रीड फोल्ड कोड, नो रीड डाटा। ओके फ्रेंड्स, कोई रीड फोल्ड कोड नहीं है इसके अंदर। सो अब इसको हम चलाएंगे, देखेंगे कि पिकअप ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये सब करने से पहले हमने चेक किया था, तब इसके अंदर बिल्कुल पिकअप नहीं था, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं थी गाड़ी। जो अब चेक करते हैं कि गाड़ी इसके अंदर ताकत रखती है या नहीं रखती। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स,
गाड़ी में चला के आया, गाड़ी पिकअप बिल्कुल ओके रख ली, लकली लकली रख रही है। ओके फ्रेंड्स, सो अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या कोड आ रहा है। ऐसे तो गाड़ी अपनी ओके हो चुकी है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई। सो फ्रेंड्स, कोई कोड नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपनी गाड़ी बिल्कुल सक्सेसफुल ओके हो चुकी है।